काट बोला बिजली जा रही है तो ये है। इसकी वैल्यू अब इसमें रखते हैं, माइनस का एम वन स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर टू पी म्यू डॉट पी टू म्यू। पी म्यू डॉट पी टू म्यू की वैल्यू कितनी निकली, माइनस का एम, माइनस का एम निकला है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ एम एम टू सी स्क्वायर प्लस टी टू ये निकल गया आपका। इसका इसको इधर ले आते हैं, ये प्लस में हो जाएगा, इधर ला रही हूँ टू एम एम टू सी स्क्वायर प्लस टी टू ये इधर आके प्लस में हो गया इक्वल टू, ये इधर ले जाती हूँ, ये इधर ले जाती हूँ तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर एम वन स्क्वायर माइनस का एम टू स्क्वायर। ये आ गया दूसरी इक्वेशन टू एम, ये वन है तो टू एम जो निकला वो इसके बराबर निकल गया। मल्टीप्लाई करते हैं टू एम एम टू सी स्क्वायर प्लस टू एम टी टू सी स्क्वायर एम स्क्वायर एम टू स्क्वायर माइनस का एम वन स्क्वायर। ये उधर ले जाती हूँ, ये उधर ले जाती हूँ टू एम टी टू सी स्क्वायर एम स्क्वायर एम टू स्क्वायर एम वन स्क्वायर, इसको इधर ले गई माइनस का टू एम एम टू सी स्क्वायर। कॉमन ले लिया सी स्क्वायर, क्या बचा एम स्क्वायर एम टू स्क्वायर माइनस का एम वन स्क्वायर टू एम एम टू एम स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर माइनस टू एम एम टू। ये और ये मिलके बन गया एम माइनस एम टू का होल स्क्वायर माइनस एम वन स्क्वायर। टी टू की वैल्यू निकालनी है सी स्क्वायर डिवाइड कर दीजिए एम माइनस एम टू का होल स्क्वायर माइनस एम वन स्क्वायर अपॉन टू एम। ये निकल गई हमारी सेकेंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एम माइनस एम टू माइनस एम वन। चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी। अभी हमने एग्जैक्ट मास पढ़ा था, क्या होता है एग्जैक्ट मास, एग्जैक्ट मास डेल्टा एम किसके बराबर था एम माइनस एम वन माइनस एम टू। ये एग्जैक्ट मास था, इसकी जगह डेल्टा एम लिख दीजिए टी टू डेल्टा एम
और ये बचा तो टी टू की वैल्यू क्या निकल गई, डेल्टा एम सी स्क्वायर टू एम एम माइनस एम टू प्लस एम, ये निकल गई आपकी सेकेंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। ये टी टू निकल गई, अब मुझे निकालना है टी वन। अब टी वन देखो कैसे निकलेगा, अभी हमने पढ़ा था टी वन प्लस टी टू डेल्टा एम सी स्क्वायर के बराबर था, टी टू की वैल्यू पता है तो टी वन निकालना है डेल्टा एम सी स्क्वायर माइनस टी वन, या टी टू की टी वन की टी वन निकालना है तो यहाँ आ जाएगा टी टू, टी टू की वैल्यू रख दीजिए माइनस करिए तो क्या निकल आएगा आपका टी वन। टी टू की वैल्यू क्या है, ये रही डेल्टा एम सी स्क्वायर एम माइनस एम टू प्लस एम वन, टी वन बराबर कॉमन ले लिया। माइनस एम माइनस एम टू माइनस ये प्लस एम टू जाएगा अपॉन टू एम, टी वन बराबर डेल एम सी स्क्वायर अपॉन टू एम, टू एम माइनस एम एम ये निकल गया। फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, ये तो सेकंड पार्टिकल की थी, अब ये जो निकली है वो फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ गई। स्क्रीनशॉट ले लो, एम माइनस एम वन प्लस एम टू, और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ये था आपका काइनेटिक ऑफ डिके पार्टिकल्स, काइनेटिक्स ऑफ डिके पार्टिकल ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हमने निकाल दी। दो पार्टिकल्स लिए थे, एम को तोड़ा था एम वन प्लस एम टू में, एम वन ये था एम टू ये था, दोनों को तोड़ के दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, वो काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, डालिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी। थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी पढ़नी है, इसमें क्या होता है, एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होता है, एक टारगेट पार्टिकल होता है, और दोनों मिलके एक प्रोडक्ट पार्टिकल बनाते हैं। हमने माना एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है ए, एक टारगेट पार्टिकल है बी, दोनों मिलके ये दो प्रोडक्ट पार्टिकल बना रहे हैं सी प्लस डी। ये जो पार्टिकल ए है इसे बोलते हैं प्रोजेक्ट पार्टिकल, पार्टिकल बी को बोलते हैं टारगेट पार्टिकल, इन दोनों को बोलते हैं
प्रोडक्ट पार्टिकल। प्रोजेक्टाइल पार्टिकल प्लस टारगेट पार्टिकल मिलके बनाते हैं आपका प्रोडक्ट पार्टिकल। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के जो लीनियर मोमेंटम है, फोर मोमेंटम, वो इन दोनों के फोर मोमेंटम के बराबर लेके आना है। हमने पहले माना जो आपने प्रोजेक्टाइल पार्टिकल लिया है उसका मोमेंटम पी वन म्यू, लेट लीनियर मोमेंटम, लीनियर फोर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इसका फोर मोमेंटम, पहला माना पी म्यू, जो आपने प्रोजेक्टाइल पार्टिकल लिया है उसका फोर मोमेंटम लेके चल रही हूँ पी वन म्यू। पी वन म्यू कितना होता है, पी वन कॉमा आयोटा ई वन ओवर सी, ये फर्स्ट पार्टिकल का है। अब टारगेट पार्टिकल का माना एंड द फोर मोमेंटम ऑफ टारगेट पार्टिकल तो टारगेट पार्टिकल के लिए लिया पी वन म्यू हो गया, इसके लिए लिया मैंने पी टू म्यू, इसको तोड़ा पी टू आयोटा ई टू अपॉन सी। टारगेट पार्टिकल है वो स्टेशनरी है, पहला वाला पार्टिकल आके दूसरे में मार रहा है तो ये तो मूविंग होगा, ये स्टेशनरी होगा। स्टेशनरी पार्टिकल है इसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो कॉमा आयोटा पॉन सी ई टू। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये निकला है आपका फोर मोमेंटम टारगेट पार्टिकल के लिए, और जो टारगेट पार्टिकल है वो हमेशा स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा, इसके लिए इसका लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या लेके चलते हैं अपन, जीरो। अब लगाएंगे आप मोमेंटम एनर्जी रिलेशन, क्या होता है ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर। ये मोमेंटम एनर्जी का रिलेशन होता है ई स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर। पहले पार्टिकल के लिए ई वन निकलेगा और दूसरे पार्टिकल के लिए ई टू निकलेगा। पहले वाले पार्टिकल के लिए निकालते हैं ई वन स्क्वायर, पहले वाले के लिए मोमेंटम पी वन स्क्वायर प्लस मास एम वन स्क्वायर सी फोर, दूसरे पार्टिकल के लिए ई टू स्क्वायर। ये टारगेट पार्टिकल है इसके लिए ई टू ले लिया, मोमेंटम तो जीरो है इसका तो केवल काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि ये मोशन में नहीं है स्टॉप है, तो इसका एम टू स्क्वायर सी फोर। ये तो पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ गई ई वन स्क्वायर पी वन स्क्वायर सी स्क्वायर एम वन स्क्वायर सी फोर, दूसरे वाले की एम टू स्क्वायर सी फोर। इक्वेशन नंबर डालिए नेक्स्ट थर्ड और इसकी डालिए फोर्थ। हमने ई वन स्क्वायर ई टू स्क्वायर निकाल लिया और फोर मोमेंटम निकाल दिया पी वन म्यू और पी टू म्यू। अब मैं लगा रही हूँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहलाता है, कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद के टोटल मोमेंटम के बराबर होता है। आ जाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पी म्यू इक्वल्स टू पी वन म्यू प्लस पी टू म्यू। इसका तो होगा ही नहीं, टारगेट पार्टिकल का मोमेंटम तो क्या रहेगा जीरो, तो पी वन जो पी म्यू क्यों होगा पी वन म्यू प्लस पी टू म्यू। पी म्यू पी वन म्यू को तोड़ा पी वन
आयोटा इवन अपॉन सी पी टू मुके तोड़ा पी टू कॉमा आयोटा ई टू अपॉन सी ये पी म्यू निकला है पी वन म्यू प्लस पी टू म्यू के बराबर और पी वन प्लस अब इनको अलग अलग करते हैं पी म्यू बराबर पी वन प्लस पी टू आयोटा कौन सी कॉमन लेते हैं ई वन प्लस ई टू आ जाओ और पी टू दूसरे पार्टिकल के लिए पी टू तो क्या है जीरो तो ये आ जाएगा पी वन प्लस जीरो आयोटा सी अपॉन ई वन आयोटा सी अपॉन ई टू आयोटा कौन सी कॉमन ले लिया ई वन प्लस ई टू ये आपकी मोमेंटम निकल रहा है पी म्यू इक्वल टू पी वन कॉमा आयोटा अपॉन सी ई वन प्लस ई टू ये आ गया नेक्स्ट इक्वेशन नंबर फिफ्थ अब पी वन म्यू और पी टू म्यू की वैल्यू अब ए और बी तो मोमेंटम था पी वन म्यू पी टू म्यू और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम बना वो पी वन म्यू डैश पी टू म्यू डैश अब मैं पी वन म्यू डैश और पी टू म्यू डैश की वैल्यू लिख रही हूँ आफ्टर कोलिजन पे पी वन म्यू डैश क्या होता है पी वन डैश कॉमा आयोटा ई वन डैश ओवर सी दूसरा पी टू म्यू डैश पी टू डैश आयोटा पी टू डैश अपॉन सी ये दोनों के निकल गए सिक्स और ये आपकी चल रही है सेवन पी वन म्यू डैश पी टू म्यू डैश निकल गए अब कोलिजन के बाद टोटल लीनियर मोमेंटम पी म्यू डैश इक्वल्स टू P1 mu dash plus P2 mu dash P1 mu dash की वैल्यू ये रही P1 dash iota E1 dash upon C P2 mu dash की P2 dash iota E2 dash upon C ये टोटल निकल गया अब इसका करते हैं P1 डैश प्लस P2 म्यू डैश ये दोनों ले लिए P1 डैश प्लस P2 डैश कॉमा आयोटा अपॉन C P1 डैश प्लस P2 डैश और मैं पता है टोटल कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल स्टेशनरी है तो P1 डैश प्लस P2 म्यू डैश की वैल्यू कितनी है जीरो आयोटा अपॉन सी ई वन डैश प्लस ई टू डैश क्वेश्चन नंबर एट ये टोटल आ गया पी वन म्यू डैश और पी टू म्यू डैश की वैल्यू आयोटा अपॉन सी ई वन डैश प्लस ई टू डैश क्या करना है चलो आज का लेक्चर कंप्लीट लेक्चर